हेलो बच्चों, सो सीए फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, सीए इंटर में भी इकोनॉमिक्स है, बट सीए इंटर का इकोनॉमिक्स पूरा अलग है। इसका नाम है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। चैप्टर्स भी बहुत अलग है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है, एंड दिस इज नॉट टिपिकली थियरी सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड ऑफकोर्स आई एडमिट कि ये इकोनॉमिक्स कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। जिसने बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है खुद ने भी, वही पढ़ा सकता है। इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट जाने की बातें चल रही है सीए इंटर में, बट आई वुड सजेस्ट इंस्टीट्यूट कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसी से बच्चे की भी पहचान होती है और टीचर की भी पहचान होती है कि पढ़ा पाएगा कि नहीं। करेक्ट। तो इसमें टोटल चार यूनिट्स है, मतलब चार चैप्टर्स है इनफैक्ट, और हर चैप्टर में कुछ कुछ यूनिट्स है। पहला जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो आपने सुना ही है, नेशनल इनकम वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। सो वो बहुत ही बेसिक है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, इलेवंथ ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, पहले सीपीटी में हुआ करता था। बट किन्सेन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन जो सीबीएसई वाले उन्होंने पढ़ा है कि पैसा कैसे पूरी इकोनॉमी में फ्लो करता है, जब सिर्फ बिजनेस और लो हाउस होल्ड से तब कैसे करता है, जब गवर्नमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाती है तो कैसे होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो कैसे होता है, पूरा पैसे का फ्लो कैसे आपस में सर्कुलेट होता है, उसको बोला जाता है किन्सेन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मेन मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है इकोनॉमी में, उसको बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस, और जो भी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है उसको कैसे खर्चा करेगी, उसको बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। टैक्स के फॉर्म में पैसा लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों पे क्या करती है, पैसा खर्च करती है। बट हमारा बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्चा करती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्चा करती है। करेक्ट। उसको बोला जाता है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर पे भी खर्चा करती है, मतलब क्या, मार्केट फेलियर ना हो इसकी कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मार्केट फेलियर में बहुत सारी चीज़ें आती है, एक्सटर्नलिटीज़, फिर मार्केट पावर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आती है, वो डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे हम लोग, पर एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि मार्केट फेलियर एक तरीका होता है मोनोपोली। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोनोपोली हो जाए तो कस्टमर एक्सप्लोइट होगा, और कस्टमर जहां एक्सप्लोइट हो गया उसको बोला जाता है मार्केट फेलियर। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी मोनोपोली क्रिएट ना करे जिससे कस्टमर क्या हो जाए, एक्सप्लोइट हो जाए, कस्टमर क्या हो जाए, एक्सप्लोइट हो जाए। तो गवर्नमेंट इसके लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाती है, अपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाती है, सीसीआई बनाती है। तो उसको बोला जाता है मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो कोशिशें करती है उसको बोला जाता है सॉरी पब्लिक फाइनेंस, मतलब उसके ऊपर जो खर्चा करती है उसको बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। करेक्ट। एग्जाम्पल था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर चैप्टर में क्या क्या मार्केट फेलियर्स होते हैं और उस पर गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, मैंने दोनों बातें एक साथ में आपको बता दी, मोनोपोली इज अ मार्केट फेलियर और कॉम्पिटिशन एक्ट 2000 इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। राइट। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, जो टैक्सेस से रिलेटेड और उसके खर्चों से रिलेटेड पॉलिसीज होती है उसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा आता है मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी का सप्लाई, और मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसीज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसीज। राइट। सो मनी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे और पब्लिक फाइनेंस में फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। अब मनी मार्केट में ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, डिमांड, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वही स्टोर ऑफ वैल्यू, उसके बाद मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद मनी का डिमांड कैसे होता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरी दी है, लोग पैसा अपने पास क्यों रखते हैं उसको बोला जाता है मनी डिमांड। मनी सप्लाई मतलब इकोनॉमी में पैसा कितना घूमता है और कैसे घूमता है, बैंक के जरिए कितना घूमता है, उसको क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। पब्लिक के हाथ में कितना कैश रहा तो पैसा घूमने में क्या नुकसान होता है, पब्लिक ने कितना पैसा डिपॉजिट किया तो कितना मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें हम लोग पब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई अगर लोन ज़्यादा देने लग जाए, मतलब आरबीआई तो लोन नहीं देती मुझे पता है, बट आरबीआई अगर बैंक्स को अलाउ कर दे ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर आरबीआई बैंक्स को कंट्रोल कर ले कि कम पैसा दो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो सीआरआर, एसएलआर, बैंक करेंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब से रिलेटेड चीज़ हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं। करेक्ट। उसके बाद में आता है बच्चों आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड जो कि चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल ट्रेड पहले कैसे बार्टर एक्सचेंज चलता था, फिर कैसे गोल्ड को इंपॉर्टेंस दिया गया, फिर पे कैसे लेबर और कैपिटल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगे, इन सब का फ्लो जो पढ़ा जाता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा जाता है। अलग अलग थियरीज है,
उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज का रेट कैसे चलता है और उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, फ्लोटिंग रेट क्या होता है, फिक्स रेट क्या होता है, ये सारा हम लोग इन चैप्टर्स में पढ़ते हैं। और FDI, FPI ये सब क्या होता है ये भी इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ते हैं, राइट। तो इसी के साथ EF के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दे दी। बट एक बात याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक और फाइनेंस 40 मार्क का आपका सिलेबस सब्जेक्ट है, 40 में से 40 भी आ सकते हैं। समझ सोचना कि थियरी सब्जेक्ट है तो सर आउट ऑफ कैसे आएंगे। इसमें जो सवाल आते हैं वो थियरी बेस्ड नहीं आते, मतलब कि जैसे प्रोसीजर लिखो या ये लिखो ऐसा नहीं आता है सवाल। इनके जो सवाल आते हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो RBI क्या एक्शंस लेगी। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो CRR बढ़ा देगी, SLR बढ़ा देगी। क्यों ऐसा करेगी? क्योंकि CRR SLR बढ़ा देगी तो बैंक को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लोन कम लेगी। महंगाई बढ़ रही है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, और लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। जब इकोनॉमी में एक्सपांशन चलता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट लगाती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल टाइप के सवाल आएंगे। अगर आपने बोल दिया कि CRR बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब सही जवाब है तो सही जवाब है, गलत जवाब है तो गलत जवाब है। तो ये बात दिमाग से निकाल लो कि इकोनॉमिक और फाइनेंस थियरी सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ऐसा ही मान के आप करो। भले डिस्क्रिप्टिव लिखना है बट वेरी मच प्रैक्टिकल अप्रोच। थैंक यू वेरी मच बच्चों।